हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए देरासर के पटवारी को 4,400 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। बाड़मेर जिले में लगातार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के घूसखोर अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान जारी है। शुक्रवार को बाड़मेर एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए देरासर के पटवारी को 4,400 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। परिवादी ने बाड़मेर एसीबी चौकी में शिकायत दर्ज करवाई थी। उसके परिवार के 9 लोगों के कृषि अनुदान के तहत मिलने वाली राशि को जारी करवाने की अवज में देरासर पटवारी द्वारा 4,500 रुपए रिश्वत मांगी जा रही है, जिस पर एसीबी की टीम ने इसका गोपनीय सत्यापन करवाया और सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने के बाद एसीबी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम निवास सुंडा के निर्देशन में एसीबी निरीक्षक मुकुंदान ने कार्रवाई करते हुए 4,400 रुपए रिश्वत लेते हुए पटवारी रावता राम को गिरफ्तार किया है। फिलहाल एसीबी की टीम घूसखोर पटवारी को बाड़मेर एसीबी कार्यालय लाया गया है, जहां पर आरोपी पटवारी से एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। वहीं एसीबी ने उसको पटवारी के अन्य स्थानों पर भी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि बाड़मेर जिले में पिछले 7 दिनों में ये तीसरा पटवारी ट्रैप हुआ है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए मुकुंदान एसीबी निरीक्षक ने बताया, परिवादी ने कल दिनांक 7 को एक अपीलिस्ट दी थी, जिसमें उसने बताया कि मैं तेरे से करना पड़ा, मेरे पटवारी साहब है जो मैं से मेरा जो अनुदान कृषि अनुदान की राशि है वो मेरे खातों में स्वीकृत नहीं करवा रहे हैं। मैं डायरी भी दे रहा हूँ, आधार कार्ड भी दे रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हुआ है तो स्वीकृत नहीं करने से मेरे हमारे सदस्यों के खाते में पैसे आए थे, कृषि अनुदान के पैसे आते हैं, बाकी गाँव वालों के आ गए। तो उसके बाद वो उनसे मिलता है पटवारी साहब से, तो ये पटवारी साहब उसने एप्लीकेशन में पटवारी साहब भी लिखा है, लेकिन इसका ये जो रावता राम है इसके पास में अतिरिक्त चार्ज है, जिला सर का अतिरिक्त चार्ज है, आत्मा का अतिरिक्त चार्ज है, और ये वो अभिलिख निरीक्षक है, और सियाणी का भी इसके पास में अतिरिक्त चार्ज है, यानी दो जिले का तो आरआई का चार्ज है और ये हैवी आरआई और दो पटवार मंडलों का भी इसके पास में चार्ज है। तो उसके बाद में उसने कहा पटवार साहब मेरा वो पैसे स्वीकृत कराओ, मेरे लिए आधार कार्ड है, ये मैंने इसको भी है। तो उसने पटवारी ने कहा कि जो तो अभी जो निरीक्षक है वहाँ का चार्ज है, उसने कहा रावता राम ने कहा कि तेरा काम कर दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत इतना लगेगा तो दे देना, तेरा काम हो जाएगा। तो उसके बाद में वो एप्लीकेशन लेता है, मैं और उसके वेरीफाई करवाते हैं, सत्यापन करवाते हैं, तो सत्यापन में आरोपी रावता राम ने जो क्लियर डिमांड करता है पैसों की, फिर 500-500 के हिसाब से तुम्हारे जो नौ नाम हैं कि 4,500 रुपये लगेंगे, तो रकम की व्यवस्था करके आ जाना और तेरे को जो तेरा जो भी आधार कार्ड और फिर डायरी ले आना तेरा उसको चढ़ा देंगे, तो फटाफट तेरे पैसे आ जाएंगे। उसके बाद में सत्यापन हो चुका था और आज परिवादी से आरोपी ने 4,400 रुपये लिए, उसी टाइम ही ऐसे भी की टीम गई और उसको लिया और कार्रवाई जा रही है। इस संबंध में ऐसे के और कोई ठिकानों पे या प्रॉपर्टी का कुछ और पता चला है? कुछ अभी तक नहीं चला है, लेकिन कर रहे हैं सब चीज़ कोशिश। पहले भी किसी और लोगों से ली ऐसा भी बात सामने आई? पहले किसी और से रिश्वत लेने का मामला है? अभी तक नहीं जानकारी। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम इकबाल की रिपोर्ट।